आदाब शेतकरी भाइयों, देखो आज हम यूज़ कर रहे हैं विवा किसन के प्रोडक्ट। और जो विवा किसन के प्रोडक्ट है हम आपके सामने देखिए, आज जो यूज़ कर रहे हैं हम विवा किसन ग्रोथ, और दूसरा यूज़ कर रहे हैं विवा किसन किंग, जिसको ले रहे हैं हम कांधे के ऊपर, प्याज के ऊपर। 2 ml से विवा किसन ग्रोथ और 1 ml से ले रहे हैं विवा किसन किंग। देखिए भाइयों, ये देखिए, ये लिए 2 ml से 40 ml, क्योंकि हमारे आदमी को थोड़ा समझ में नहीं आएगा इसलिए हमने रोक कर उसे भर दिया 40 ml। ये विवाह किसान ग्रोथ, इसमें 40 ml डाले हमने। और ये लिए है 1 ml से हमने 20 ml, ये है विवाह किसान किंग, राइट। देखिए ये डाल रहे हैं हम किंग को। ये देखिए आधी टाकी भरना चाहिए पौन, अब इसको 20 लीटर कंप्लीट करना चाहिए और इसको अच्छा थोड़ा सा हिलाकर स्प्रे शुरू करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, हम गन्ने पर भी ले रहे हैं और कांधे पर भी, इसमें हमारा गन्ना भी है और कांधे का रोप भी है, और इसका हम रिज़ल्ट आपको ज़रूर बताएंगे 1-5 दिन के बाद। आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। आज देखिए इसका ग्रोथ कितना है, और 5-6 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट क्या मिलता है आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। इस तरह ये कांदा है, 1-8 दिन के बाद हम इसमें लगाएंगे, जो कि ड्रिप हो गया, सब कुछ जंगल तैयार हो चुका है, इसके अंदर हम लगाएंगे। तो देखिए किसान भाइयों, हम तुम्हारे लिए कुछ नया नया लाते हैं जिससे फ़ायदा हो सके, जिसके रिज़ल्ट मिल सके और कमाई हो सके, और ऑर्गेनिक पर हम खेती कर सके, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और जो कि हमें कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिल सके, और हम उसी पर मेहनत करते हैं और आपके लिए पेश करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, हम आपके लिए ज़रूर नया कुछ लाएंगे। तो आपके हम जो हो सके उतना करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, है ना। देखिए ये हमारे गन्ने पर भी स्प्रे हो रहा है और कांदे पर भी, और इसे शाम के टाइम में करना चाहिए, जैसा कि अभी बज रहे हैं 5, डूबता हुआ सूरज है, देख सकते हैं आप एकदम, और नहीं तो सुबह में जल्दी से करना चाहिए, है ना। इसको चढ़ते सूरज में नहीं करना चाहिए, जबकि जो धूप बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऑर्गेनिक चीज़ों को धूप में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ओके किसान भाइयों, खुदा हाफिज़।